हेलो स्टूडेंट, टुडे वी विल रीड लेसन नंबर 13 प्लांट्स अराउंड अस। आज हम इस लेसन में प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके, प्लांट्स आर ऑल अराउंड अस। प्लांट्स क्या हैं? हमारे चारों तरफ प्लांट्स हैं। वी फाइंड देम इन गार्डन्स, इन फॉरेस्ट एंड इवन बाय द रोड। हम जब गार्डन में जाते हैं तो क्या देखते हैं? गार्डन में भी हमारे प्लांट्स लगे होते हैं। फॉरेस्ट पे भी जाते हैं तो वहाँ पे भी प्लांट्स होते हैं। यहाँ तक कि जब हम रोड पे जाते हैं तो वहाँ भी प्लांट्स होते हैं। दे आर लिविंग थिंग्स, इनके अंदर भी एक जिंदगी है। ठीक है, टाइप्स ऑफ प्लांट्स, टाइप्स ऑफ प्लांट्स में है, प्लांट्स आर डिफरेंट इन शेप, साइज एंड कलर। प्लांट्स कैसे होते हैं? डिफरेंट शेप्स के होते हैं, साइज भी उनके डिफरेंट डिफरेंट होते हैं और कलर भी डिफरेंट होते हैं। सम आर बिग एंड सम आर स्मॉल। कुछ प्लांट्स कैसे होते हैं? बिग, और कुछ कैसे होते हैं? स्मॉल। प्लांट्स दैट आर बिग एंड टॉल आर कोल्ड ट्रीज। जो प्लांट्स बिग होते हैं यानी बड़े होते हैं, लंबे होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? ट्री कहते हैं। दे हैव स्ट्रॉन्ग थिक स्टीम आर कोल्ड ट्रंक। जिनके जो ट्रीज होते हैं वो कैसे होते हैं? स्ट्रॉन्ग होते हैं, और उनकी स्टीम को हम क्या कहते हैं? ट्रंक। Shrubs are the plants that are taller than herbs and shorter than trees. जो shrubs होते हैं ना, उनके जो वो herbs से क्या होते हैं? बड़े होते हैं। ठीक है, but trees से क्या होते हैं? shorter होते हैं, यानी trees से छोटे और herbs से बड़े होते हैं size में। They have many branches and woody stem. उनके जो बहुत सारे ब्रांचेस बने होते हैं, मतलब गुच्छे टाइप में, ठीक है, एकदम पफी टाइप में, गुच्छे टाइप में बने होते हैं, और वो बुडी स्टीम होती है उनकी। ठीक है, लाइक दिस। नेक्स्ट है, शॉर्ट प्लांट्स विथ सॉफ्ट ग्रीन स्टीम आर कोल्ड हर्ब्स। जो शॉर्ट प्लांट्स होते हैं, जो छोटे प्लांट्स होते हैं, उनके सॉफ्ट और ग्रीन स्टीम होती है। ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं? हर्ब्स। लाइक दिस, कोरिएंडर क्या है? हमारी हर्ब्स हैं। ठीक है, सम प्लांट्स कैन नॉट स्टैंड स्ट्रेट एंड नीड सम सपोर्ट टू क्लिम, दे आर कॉल्ड क्लिम्बर्स। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो स्ट्रेट खड़े नहीं हो सकते, मतलब सीधे नहीं बढ़ते, ठीक है, और उन्हें सपोर्ट की नीड होती है। ठीक, तो उन्हें क्या कहते हैं? क्लिम्बर्स। जैसे कि ये आपका ग्रेप्स का ट्री है, तो प्लांट्स हैं इसकी, इसे सपोर्ट की नीड होती है। ठीक है, तो इसे कहेंगे हम क्लिम्बर्स। सम प्लांट्स क्रिप ऑन द ग्राउंड, दे आर कोल्ड क्रीपर्स। बहुत से प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि ग्राउंड में ग्रो करते हैं, उन्हें कहते हैं क्रीपर्स। As their fruits are big and heavy, उनके fruits कैसे होते हैं? Big होते हैं और heavy, यानी कि बड़े और भारी होते हैं। They spread their branches on the ground, उनके जो जो कि ground में support लेके बड़े होते हैं, ठीक है, पूरे ground में नीचे फैल जाते हैं उनके जो पूरे plants होते हैं ना, वो ground में होते हैं, और जो उनके fruit होते हैं वो भी ground का support लेके ही grow करते हैं। ठीक है, क्योंकि वो big और heavy होते हैं। ओके क्लास, अब हम पढ़ेंगे use of plants, कि हम प्लांट्स के क्या क्या यूज़ करते हैं। प्लांट्स आर वेरी यूजफुल टू अस। फर्स्ट है, दे कीप द एयर वी ब्रीथ फ्रेश एंड क्लीन। जो प्लांट्स होते हैं वो हमें ब्रीथ यानी कि सांस लेने, जो हम सांस लेते हैं, ब्रीथ लेते हैं, वो बहुत फ्रेश और क्लीन कर देते हैं। ठीक है, दे गिव अस फूड लाइक्स फ्रूट वेजिटेबल्स ग्रेन्स एंड लीव्स। तो जो उसे प्लांट से हमें क्या क्या मिलता है? फ्रूट्स मिलते हैं, वेजिटेबल्स मिलते हैं, ग्रेन्स मिलते हैं और लीव्स मिलते हैं। ठीक है, दे कीप्स अस वुड दैट इज़ यूज्ड टू मेक टेबल एंड चेयर। प्लांट से हमें क्या मिलता है? प्लांट से हमें वुड मिलती है यानी कि लकड़ी मिलती है, जिससे हम क्या बनाते हैं? टेबल एंड चेयर। नेक्स्ट पॉइंट है, दे गिव अस मटेरियल्स लाइक कॉटन एंड जूट दैट आर यूज्ड टू मेक क्लोथ एंड बैग। ये प्लांट से हमें कॉटन मिलता है, ठीक है, जूट मिलता है, जिससे हम क्या बनाते हैं? क्लोथ एंड बैग बनाते हैं। दे गिव अस मेडिसिन, प्लांट से हमें मेडिसिन के लिए भी जो मटेरियल चाहिए होता है वो भी मिलता है। ठीक है, प्लांट से हम मेडिसिन भी बनाते हैं। ओके,